हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हरे चने की चटनी बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही आसान 5 मिनट में बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। वैसे चटनी तो आप कई तरह से बनाए होंगे, चलिए मेरे तरीके से बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 टीस्पून ऑयल लिया है, ये गरम कर लिया। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाला और 2 हरी मिर्च हमने इसमें डाला, और ये थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। उसके बाद हम चने को डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट ही इसको फ्राई करेंगे। और 4 से 5 कलियां हमने लहसुन इसमें डाला हुआ है और मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, 1/2 टीस्पून। तो पूरा मिक्स करके हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। चने की चटनी ऐसे बिना ऑयल का फ्राई किया हुआ भी बना सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये वज़न में 150 ग्राम है। हमने हरे चने को इसका छिलका निकाल लिया था, छील लिया था, और ये बहुत ही फ्रेश और अच्छा ये तैयार हो गया है और ये फ्राई हो गया है। इसको ठंडा करके हम मिक्सी के जार में डालते हैं, और इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है। और खट्टा थोड़ा सा लगने के लिए हम इसमें 3 चम्मच हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का जूस डाल सकते हैं दही के जगह। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और पीसते हैं। जितना पानी का ज़रूरत लगेगा उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो एक बार में ज़्यादा ना डालें। इसको पीस लेते हैं और देखते हैं तो हल्का सा पानी कम लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा फिर से पानी ऐड कर देते हैं और स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं चटनी की तरह। तो ऐसे चटनी बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बनाकर यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी बना है और हम निकालते हैं इसको। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है मेरे तरीके से, ज़रूर ट्राई करें। मिक्सी का जार हमने थोड़ा सा पानी उसमें ऐड किया और धोकर इसी में हम मिक्स कर लेते हैं। रोटी के साथ, चावल के साथ, इडली के साथ सर्व करें, समोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो खट्टे के लिए दही या फिर नींबू का यूज करें, बहुत टेस्टी लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।